मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं चुनाव लड़ रही हूँ प्रेसिडेंट के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए? बाप रे। मैं मुझ जैसे दिखने वाले कई लोगों के लिए रास्ता बना रही हूँ। ब्रुकलिन की पहली ब्लैक रिप्रेजेंटेटिव। तुम इतिहास जो रचने जा रही हो। आप प्रेसिडेंट बन गई, लेकिन आप तो औरत है। तुम्हारी माँ से मिलना पड़ेगा। सिर्फ एक हथियार है जो आपके पास है, आपका वोट। हर पॉलिटिशियन ऐसी ही बातें करता है, लेकिन क्या हर पॉलिटिशियन ऐसा दिखता है? शर्ली तो हार तय है। और मैं जीत क्यों नहीं सकती? मेरे पास एक मौका है जिससे मैं बदलाव ला सकती हूँ। ये कोई कैंपेन नहीं, एक जोक है। सबको बस एक ही बात याद होगी कि ब्लैक्स का एक झुंड था जिन्होंने सिर्फ खुद का मजाक उड़वाया। मैंने लोगों को तड़पते देखा है। मैं खुद को कोशिश करने से नहीं रोक सकती। मैं नहीं मानती कि मैं खास हूँ। जिंदगी में सब कुछ मुमकिन हो सकता है। कोई ऐसा कदम उठाना होगा जिसकी आवाज चारों दिशाओं में जाए। मैं साथ ला रही हूँ ब्लैक पैंथर्स और शर्ली चिज़म को। आग और बिजली का मिलन। और मैं हर पॉलिटिशियन को हमारे वोट पाने के लिए मजबूर कर दूंगी। और ये सब आप करेंगी? ब्रुकलिन की एक स्कूल टीचर हैरियट महज एक गुलाम थी और रोजा घर की नौकरानी। वैसे तुम काम क्या करते हो ये बताओगे? जनता की नजरें हमारे